देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया रणविजय प्रताप जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कक्षा प्रारंभ होने के अवसर पर स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महाविद्यालय संस्था प्रमुख डॉक्टर सी वी सोदिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रचार द्वारा विद्यार्थियों एवं गुरुजनों को तिलक लगाकर बंधन स्वागत किया गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संजीव शर्मा ने नई नीति 2020 से की गई नई शिक्षा नीति के बारे में प्रोफेसर तुलसी रानी पटेल एवं प्रोफेसर हेमलता लॉक्स द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से इस विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की गई एवं विद्यार्थियों में नई शिक्षा नीति को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया एवं विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए गए, जिसका उत्तर शिक्षकों के द्वारा उन्हें दिया गया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सी वी सोदिया, डॉक्टर डी सी राज पुरोवार, डॉक्टर बिमला मरावी, देवेश कुमार अहिरवार, क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र कुमार, डॉक्टर अरविंद्र शाह बरकरे, डॉक्टर रमेश प्रसाद कौल, डॉक्टर संध्या कुशवाहा एवं समस्त स्टाफ सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पी सुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जैसे कि आज रणविजय महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कक्षा प्रारंभ होने हेतु स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी क्लास के विद्यार्थी उपस्थित रहे, बीए, बीकॉम, बीएससी, जिसमें कि विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की गई। जैसे कि सबसे मुख्य विषय जो था वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में उनको विस्तृत रूप से जानकारी दी गई कि किस प्रकार से अब उनका ग्रेजुएशन जो कि पहले 3 साल का हुआ करता था अब 4 साल का हो गया है, उसमें किस तरीके से उनको विषयों का चयन करना है, किस तरीके से उनको रोजगार उसमें प्राप्त होगा, किस तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, इसके बारे में उनको विस्तृत रूप से जानकारी विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा दी गई। अतः विद्यार्थियों को कॉलेज में आने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही साथ उनको स्वच्छता से संबंधी भी विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई कि किस तरीके से हमें हमारे कॉलेज परिसर को, हमारे आसपास की जगहों को भी स्वच्छ रखना है। सुंदर स्वागत समारोह का आयोजन किया, का स्वागत हमने किया उसमें, जिसमें कि सारे प्राध्यापकों ने स्टूडेंट्स का तिलक लगाकर तथा उन्हें फूल देकर उनका स्वागत किया। साथ ही साथ जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा चली आ रही है कि कुछ मीठा हो जाए, तो हमने साथ ही साथ उनको कुछ स्वीट्स भी दिए, जिससे कि हमने रणविजय कॉलेज में बहुत भव्य स्वागत करके बच्चों का स्वागत किया गया, उनको तिलक वंदन करके उनका स्वागत किया गया। बच्चों के साथ साथ हमने गुरुजनों का भी, हमारे प्राचार्य संस्था प्रमुख प्राचार्य के द्वारा सभी गुरुजनों का भी स्वागत किया गया। और इसमें सबसे अहम जो पॉइंट रखा गया था वो नई शिक्षा नीति 2020 रखी गई थी, क्योंकि हमारे बच्चे जो आए हैं फर्स्ट ईयर में वो इसी नई शिक्षा नीति के अनुसार ही एडमिशन लिया है, तो वो बच्चे अभी बहुत अच्छे से इस पॉलिसी के बारे में जानते नहीं है, तो हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से और पीपीटी के प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें नई शिक्षा नीति को बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, जिससे बच्चों को इस नई शिक्षा नीति को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो और वो इस ग्रेजुएशन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सके। इस तरह से हमने बच्चों को बहुत इजी लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश करी है। बच्चों ने सहयोग किया, उन्होंने बहुत सारे हम लोगों से प्रश्न भी पूछे, उनका उत्साह देखकर हमें अच्छा लगा और हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे नई शिक्षा नीति को लेकर काफी एक्साइटेड। सर, मेरा नाम आकांक्षा सिंह अहिरवार है। कोविड के दौरान ये अभी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्टिंग हुई है, पहले कोविड के दौरान यहाँ क्लासेस नहीं चल रही थी, ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई हो रही। हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि 15 तारीख से कॉलेज की स्टार्ट। आज से बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम की प्रारंभ हो गया है, उसमें बीए, बीएससी और बीकॉम के समस्त विद्यार्थियों ने, 50% विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है वो मध्य प्रदेश शासन की महती योजना में ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। ग्रेजुएशन अब जो है वो स्नातक स्तर की पढ़ाई जो है वो 4 वर्षों की होगी, जिसमें सिर्फ विद्यार्थी शिक्षित नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ अपने स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित होगा और साथ में दूसरों को रोजगार देने के लिए भी प्रोत्साहित होगा। जैसा आज तक हम सुनते थे कि विदेशों में होता है कि विद्यार्थी जो है वो सरकार की धरोहर हो जाता है और वे जो है वो उसमें सारी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विद्यार्थी स्वावलंबी होता है,
और वो जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहता, और इसीलिए वहाँ पर जो है वो हमको श्रम में या लेबर की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसी प्रकार जो है वो इसके माध्यम से NSS, धर्म, ज्ञान, योग, आधार पाठ्यक्रम और साथ में जो है वो दक्षता संवर्धन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जो है वो इन 4 वर्षों में किए जाएंगे, और जो विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी वो भी जो है वो एक विशेष विद्यार्थी की डिग्री मिलेगी जिसने रिसर्च बेस्ड पूरा अपना वो किया है, और उसके बाद जब वो PG करेगा तो सिर्फ 1 वर्ष का PG करेगा, यानी ये पूरा पाठ्यक्रम जो है वो 5 वर्ष में UG और PG दोनों कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले के जो विद्यार्थी थे वो PG करने के बाद भी अपने लिए जो है वो रोजगार की तलाश नहीं कर पाते। शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश स्थापित करने वाला पहला राज्य है, तो ये बहुत बड़े शासन के आदेशानुसार ये सत्र हमने 15 सितंबर से प्रारंभ किया है। इसको प्रारंभ करने से पूर्व हमने प्रशासन से, आपदा प्रबंधन समिति से सहमति प्राप्त कर ली है। उसके पश्चात हम जो है COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए सत्र को प्रारंभ कर दिया है। आज जो हमारे विद्यार्थी उपस्थित हुए उन विद्यार्थियों का हमने तिलक लगा के पुष्प गुच्छ प्राप्त प्रदान करके उनका स्वागत किया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही हमने उनके लिए आज जो नई शिक्षा नीति, जो हमारा उद्देश्य है, शासन चाहती है कि नई शिक्षा नीति के बारे में छात्रों को जानकारी दें। हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से नई शिक्षा नीति के बारे में छात्रों को सारी जानकारी